नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से ये जो कवर है इसको ओपन करते हैं और इस जगह ये आपको ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपना पेज, फोटो, बुक, किसी पेज को, इनमें से किसी को भी यहाँ पर रखते हैं और ये जो कवर है इसको बंद करते हैं तो आप वो इमेज आराम से अपने कंप्यूटर के अंदर ला सकते। ये जो स्कैनर है आपके सीपीयू के साथ जुड़ा होता है और इसके अंदर रखी हुई कोई भी चीज़ ये स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लिया था। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर स्कैन वाला सॉफ्टवेयर चलाते हैं, स्कैन पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर एक प्रोसेस चलता है, लाइट चलती है और वो पूरे पेज को स्कैन कर लेता है और वो पूरा का पूरा पेज आपके कंप्यूटर के अंदर दिखाई देने लग जाता है। यह स्कैनर मुद्रित पृष्ठ मतलब प्रिंटर पेज, कोई भी प्रिंटिंग से जो पेज निकला है उसको आप वापस कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ग्राफिक्स मतलब फोटो को आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं। डिजिटलीकरण करता है मतलब उसको कंप्यूटर के अंदर लिया जाता है, जिसमें लिखे हुए टेक्स्ट फोटो वैसे के वैसे कंप्यूटर में आ जाते हैं जैसे वो ओरिजिनल होते हैं। जैसे ये बुक है, ये मैंने स्कैन कर रखी है तो ये वैसी की वैसी आ गई कंप्यूटर में, तो मैंने इसको स्कैनर के माध्यम से ही स्कैन किया है। उसको छोटे छोटे पिक्सल वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचरित करता है। मतलब पिक्सल क्या होता है? डॉट। ये क्या हो गया? पिक्सल। ऐसे क्या होता है? पिक्सल मिलके क्या बनता है? इमेज बनती। क्या बनती है? इमेज। ऐसे खूब सारे पिक्सल जो है, ये जैसे फोटो है तो इसको बनाने के लिए, इस फोटो को बनाने के लिए क्या बनता है? पिक्सल बनता है। आपने देखा होगा आप कभी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां पे कहते हैं कितने मेगा पिक्सल का कैमरा है, डिजिटल कैमरा है। तो ये क्या है? डॉट के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस स्कैनर के अंदर जब स्कैन करोगे ना तो कागज को स्कैन करते समय वहां पे लिखा हुआ DPI, DPI, DPI का फुल फॉर्म क्या हो गया? डॉट पर इंच। प्रत्येक इंच में कितने डॉट लगे हुए हैं? 600 डॉट, 150 डॉट, 300 डॉट, कितने डॉट लगे हुए हैं एक इंच की जगह पे, वो इसकी क्वालिटी को दर्शाता है। यह लेजर टेक्निक का उपयोग करके प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो प्रिंटेड कागज होता है उसको क्या करता है? ये कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। डिजिटल फॉर्मेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदल देता है। स्कैनर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्कैन कर सकता है। मतलब कोई भी कागज़ हो, चाहे वो डाटा हो, चाहे वो ग्राफ्स हो या कोई फोटो हो, उसको क्या कर सकता है? स्कैनर स्कैन कर सकता है। जैसे हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट भी हो सकता है, जैसे मैंने ये लिखा इसको स्कैन करोगे तो हो जाएगा। इमेज हो सकती है, मेरा फोटो हो सकता है, आपके फोटो हो सकते हैं, चित्र डायग्राम हो सकते हैं, प्रिंटेड पेज हो सकता है। एक बार स्कैन होने के बाद स्कैन इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें अपन कंप्यूटर के अंदर स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको सेव करके रख सकता है। क्या कर सकता है? एक बार स्कैन होने के बाद स्कैन इन्फॉर्मेशन जो अपन स्कैन की है को कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जाता है, या फिर प्रिंटर के द्वारा उसको प्रिंट भी किया जा सकता है। इस पेज को आप क्या करो? स्कैन कर लो और फिर प्रिंट कर लो तो आप इसकी क्या कर सकते हो? काफ़ी सारी कॉपी निकाल सकते हो। जैसे फोटो कॉपी होता है वैसा कि सिस्टम स्कैनर के साथ भी हो सकता है। आप किसी भी पेज को स्कैन कर लो, उसकी 10 कॉपी प्रिंट निकाल दो, ये हो गई फोटो कॉपी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।